अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर तैबा बाबर। लेट्स टेक आउट द बुक काउंट एंड बुक 3, टेक आउट पेज नंबर 8 एंड 9। टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। वी हैव लर्नड अबाउट द रोमन नंबर्स, देन वी हैव लर्नड अबाउट द डिजिट्स अप टू 4 डिजिट्स, राइट? ठीक है, 4 डिजिट्स तक हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। So on this page today we will start the work. So, write date here 15/4/2021 classwork and Thursday. Write date on the next page as well 15/4/2021 classwork and Thursday. So we will learn about the numbers that are up to 4 digits and we will write their names. What Sara has done on this page in this block green box. In the following example, Sara has written the names of 4-digit numbers. 4-digit numbers ke names likhe pehle sabse kya kiya Sara ne? She has written the places of their numbers. This is ones, this is tens, this is hundreds, and this is thousands. She has written the short form of these numbers. ठीक है, अब ones को पूरा नहीं लिखा, O लिख दिया। Tens के लिए T, hundreds के लिए H और thousands के लिए TH. Simply you can write the numbers. अब आपने यहाँ तक पढ़ा हुआ, ठीक है? For example, 3 digits आपने पढ़े हुए हैं। तो उसमें 824 अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसको खाली लिखते हैं 824, ठीक है? नेक्स्ट में 630, अब इसमें 1007 ऐड हो जाएगा, 4824, फिर 5630, 8700, 3409, 2061, फिर 1003, 9099। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, इसी तरह नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, ये आप खुद करेंगे ए से लेके एच तक पार्ट। फर्स्ट कुछ पार्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज द नंबर 6720, सी हैज रिटन ओ वन, फर्स्ट ऑफ दे हैव शोन अस द देयर प्लेसेस, वन स्टैंड्स, हंड्रेड, थाउजेंड्स। विद द हेल्प ऑफ दीज प्लेसेस वी कैन राइट द नंबर्स इजीली, 6720। सो वी विल राइट लाइक दिस इन द वर्ड्स। बी पार्ट, 5000, हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है तो एंड 94, यू विल राइट लाइक दिस। सी पार्ट, 3008। सो रिमेनिंग पार्ट डी टू एच यू विल डू बाय योरसेल्फ। कम टू द पेज 9, हियर राइट द नंबर्स दैट मैचेस ईच नेम। अब आप नंबर्स लिखे हुए हैं, उनका नंबर लिखना है। वैल्यूज लिखी गई ऊपर, 1 stands, 100,000, 2366, 2366, 5604, 9052, 9052, 7120, 7120। इसी तरह रिमेनिंग ई से लेके एच पार्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देख लें। राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अब इसमें ना नंबर्स को स्पेलिंग्स में लिखना है, ना स्पेलिंग्स को नंबर्स में लिखना है, ठीक है? इसमें सिर्फ आपने बताना है यहाँ पे थाउजेंड्स कितने हैं, हंड्रेड्स कितने हैं, वंस कितने हैं और टेंस कितने हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैल्यू लिख ली है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड, ठीक है? तो यहाँ थाउजेंड के नीचे वन है तो 1000 हो गए, फिर हंड्रेड के नीचे फाइव है तो 500 हो गए, टेंस के नीचे 8 है तो 8 टेंस हो गए, 9 के नीचे 0 के वंस के नीचे 9 है तो 9 वंस हो गए, राइट? नेक्स्ट में से 6000 हो गए, 400, 7 टेंस एंड 1 1। इस तरह 7000, 200, 0 टेंस एंड 4 वंस। जब जिस जगह कुछ भी 0 लिखा हुआ है तो वो मेंशन आपने करना है, जैसा कि यहाँ पे 0 है तो 0 टेंस आपने लिखा है, ठीक है? डी से लेके एच तक अब आप बाकी पार्ट खुद करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंज, गिव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन काउंट इन। अब आपने वंस में कैसे काउंट करने हैं, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, और उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो जो आप काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेंस हैं, वो आप अकेले अकेले काउंट कर सकते हैं, पेंसिल इसी तरह काउंट हो सकती हैं, एग्स काउंट हो सकते हैं इसी तरह, और बैग्स, ठीक है? कि 5 bags हैं, 4 bags हैं, 9 bags हैं। इसलिए टेंस में आप कैसे काउंट सकते हैं, बुक्स एट होम, इसी तरह कलर्स जो हैं वो आप काउंट कर सकते हैं 10-10 का पेयर बना के, कप्स आप 10 pair बना के कर सकते हैं, प्लेट्स आप बना सकते हैं। हंड्रेड्स में देख लें, टाइल्स हो गई, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, हाउसेज हो गए, कंट्रीज हो गई, वो आप हंड्रेड्स में काउंट कर सकते हैं। थाउजेंड्स में क्या हो गया, फ्लावर्स इन फील्ड्स, स्टार्स, हेयर, सिटीज़, ठीक है, वो थाउजेंड्स पर आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है?
I hope you understand page number 8 and 9, how to start, how to do this work. You will do this work on the book. Okay, inshallah, we will start the next page, page number 10 in our next video. Till then, Allah Hafiz.